सभी को नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के इस प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी, कुलपति श्री देवस्वरूप जी, प्रबंध मंडल एवं शैक्षणिक परिषद के सदस्यगण, उपस्थित अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद, गणमान्य जन, मीडिया के मेरे साथियों, छायाकार बंधुओं और प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के इस प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह प्रथम दीक्षांत समारोह है, 38 लोगों को LLM की उपाधि प्रदान की गई है। मैं समझता हूं ये शुरुआत निरंतर बढ़ोतरी की तरफ आगे चलती जाए, और बाद में जैसा इन्होंने हमारे कुलपति महोदय ने अपने उद्बोधन के दौरान कहा कि आगे चलकर 30,000 तक के लोग, 80,000 तक जाएगी सर संख्या, 80,000 तक, ये एक विजन है, कल्पना है, उसको चरितार्थ करने की प्रबल इच्छा है। और इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये बात कही है कि देव स्वरूप जी, कुलपति महोदय मिशन के रूप में इस विश्वविद्यालय को लेकर कार्य कर रहे हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय आगे बढ़ता जाएगा। दीक्षांत समारोह दीक्षांत अध्ययन काल के संपन्न होने का अवसर नहीं है, यह शिक्षा पूरी होने का नहीं बल्कि अर्जित शिक्षा से जीवन की नई शुरुआत का पर्व है। मैं इस पर्व पर डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। चाहता हूं जो शिक्षा आपने विश्वविद्यालय में प्राप्त की है उसका समुचित उपयोग राष्ट्र और समाज के उन्नत में आप करें। प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धति का प्रचलन था। बड़े बड़े जो गुरुकुल होते थे वह एक प्रकार से आज के विश्वविद्यालय की ही तरह होते थे। एक एक गुरुकुल में हजारों की संख्या में लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। बताते हैं दुर्वासा ऋषि, उनके जो शिष्यगण थे जो उनके गुरुकुल में थे, यानी 10,000 शिष्यों का, विद्यार्थियों का वो चलता हुआ विश्वविद्यालय था, अद्भुत था। वह एक प्रकार से आज के विश्वविद्यालय की तरह होते हैं। महर्षि च्यवन, संदीपिनी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज आज के गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध रहे। यहां किसी एक विषय में नहीं, विद्यार्थियों को जीवन से जुड़े सभी क्षेत्रों का ज्ञान गुरु प्रदान करते थे। बाद में हमारे यहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय विश्वभर में अपने ज्ञान के लिए अत्यंत प्रसिद्ध रहे। यहां शिक्षा प्राप्त करने सुदूर देशों से विद्यार्थी आया करते थे। शिक्षा मानव जीवन के लिए ज्ञान की वह कुंजी है जो संसार के समस्त बंद दरवाजों को खोलती है। इसलिए मैं निरंतर यह भी कहता हूं कि शिक्षा जीवन के लिए आलोक पथ है। इस पथ से हम तमाम विसंगतियों और विडंबनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। अभी कुछ समय पहले ही मैं प्रसिद्ध गांधीवादी शोधकर्ता डॉक्टर धर्मपाल की लिखी एक पुस्तक पढ़ रहा था। इसमें उन्होंने गांधी जी द्वारा भारतीय शिक्षा को लेकर रखे गए विचारों के आलोक में अंग्रेजी दौर और उससे पूर्व के शिक्षा से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर लिखा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को न केवल औद्योगिक बल्कि साहित्यिक, नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी खोखला बनाया है। मैं मानता हूं कि आजादी मिलने के इतने वर्षों के बाद भी देश में शिक्षा भारतीय संस्कृति और दर्शन के साथ जीवन मूल्यों की उदात्त परंपराओं से इसलिए जुड़ पाई है कि भारतीय संविधान से जुड़े आलोक का उसमें सीधे तौर पर समावेश हम नहीं कर पाए।
देश में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें भारतीय जीवन मूल्यों और संस्कृत से जुड़े ज्ञान को स्कूली और उच्च शिक्षा में जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल की गई है। नई शिक्षा नीति के आलोक में संविधान के हमारे जीवन मूल्यों को जोड़ते विश्वविद्यालयों को ऐसे पाठ्यक्रम निर्मित करने पर ध्यान देना चाहिए जिनसे समानता की हमारी सोच को व्यापक स्तर पर प्रसार किया जा सके। महात्मा गांधी सदा एक बात कहा करते थे कि अधिकारों के हिमालय से ही कर्तव्यों की गंगा जीवन में बहा करती है। संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं तो मूलभूत कर्तव्य भी प्रदान किए हैं जिसका अभी मैंने पाठन कराया है। उनके प्रति भी हम सभी को सजग रहने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों का आलोक पुंज है। हमने राजस्थान में विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क की स्थापना की पहल की है। अभी इस विश्वविद्यालय में चूंकि जमीन नहीं मिली है इसलिए नई शुरुआत हो पाई है। इसके पीछे की मंशा यही है कि इसके जरिए हमारी नई पीढ़ी संविधान की उदात्त दृष्टि और आदर्शों से जुड़ सके। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही उचित ही कहा है, वो समीचीन भी है कि संविधान की प्रस्तावना अगर एक एक शब्द को आप पढ़ें तो शब्द नहीं हो तो मंत्र है। एक एक शब्द संविधान के मूल भावना को प्रकट करने में सक्षम है और इसके ऊपर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। विधि विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई कराई जाती है। मैं चाहता हूं यह विश्वविद्यालय भारतीय संविधान के आलोक में इस तरह की शिक्षा भविष्य में प्रदान करे जिससे देश को कुशल कानून विज्ञ अधिवक्ता न्यायविद और संविधान मर्मज्ञ मिल सके। निश्चित ही इसके लिए यहां पर कानून की सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ऐसी शिक्षा पद्धति का आपको विकास करने की जरूरत है जिससे विद्यार्थी भारतीय संविधान के आलोक में देश में भाईचारे समानता संप्रभुता और अखंडता के लिए भी कार्य करने की सोच रखे। उच्च शिक्षा का बड़ा प्रयोजन यह भी है कि विद्यार्थी जात धर्म समुदाय आज की संकीर्णताओं से मुक्त हो तथा योग्यता एवं गुणवत्ता उनकी पहचान का आधार बने। शिक्षा सांस्कृतिक प्रक्रिया है, सामाजिकरण का माध्यम है, इनकल्चरेशन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। शिक्षा के माध्यम से सामाजिकरण का माध्यम शक्ति का स्रोत और शोषण से मुक्ति का मार्ग है। मैं यह मानता हूं कि शिक्षा का व्यक्ति और समाज के विकास से गहरा नाता है। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शिक्षा दर्शन और संकल्पों के अनुरूप हमें देश को शिक्षित तथा समृद्ध बनाना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना के अभी 2 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुए परंतु सीमित समय में ही इसे बार काउंसिल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता और भारतीय विश्वविद्यालय संघ की सहायता मिलना इस बात का सूचक है कि यह तेजी से प्रगति पथ पर अग्रसर है। मुझे यह बताया गया है कि विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र में आने वाले राज्य के 80 महाविद्यालयों में प्रतिवर्ष 15,000 छात्र छात्राएं प्रवेश लेते हैं। उन्हें समयबद्ध ढंग से संबद्धता देना, भिन्न भिन्न पाठ्यक्रमों को वर्तमान संदर्भ में तैयार कर लागू करना तथा छात्रों की परीक्षाएं आयोजित करना एवं ऑन स्क्रीन मूल्यांकन पद्धति की पहल की गई है, यह वास्तव में अनुकरणीय है। पिछले कुछ वर्षों में देश में विविध शिक्षा का तेजी से प्रसार हुआ है। देश में इस समय 33 राष्ट्रीय विविध विश्वविद्यालय हैं, 3 राज्य विविध विश्वविद्यालय हैं तथा लगभग 1650 विविध महाविद्यालय हैं। मेरा यह मानना है
जहां एक तरफ इतनी संस्थाएं बड़ी संख्या में विधि छात्रों को शिक्षित करने का कार्य कर रही हैं, वहीं इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना यह एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। विश्वास है इस चुनौती के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय अपने गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रमों के साथ अपने यहां शैक्षिक स्तर पर निरंतर वृद्धि करने के प्रयास करेगा। मैं चाहता हूं यह शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी विधि व्यवसाय में ही नहीं बल्कि देश के जागरूक नागरिक के रूप में भी महती भूमिका का निर्वहन करेंगे। देश में विधि शिक्षा के अंतर्गत भी पिछले कुछ समय के दौरान तेजी से बदलाव आया है। इस बदलाव को हम सभी इस रूप में निरंतर देख रहे हैं कि अब विधि शिक्षा प्राप्त व्यक्ति देश की अदालतों के साथ ही विभिन्न कॉरपोरेट घरानों, कानून एजेंसियों, प्रशासनिक सेवाओं और कई अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विधि में शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए अब बहुत सारे विकल्प हैं, इसलिए जरूरी है कि आपका यह विश्वविद्यालय ऐसी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करे जिससे इसकी पहचान वैश्विक विधि शिक्षण संस्थान के रूप में हो। इसके लिए विश्वविद्यालय को विधि से जुड़ी सैद्धांतिक संकल्पनाओं और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच की खाई को भी पाटने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि विधि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को राष्ट्र कल्याण से जुड़े नवीनतम कानूनों के बारे में भी निरंतर अपडेट करे। यह पढ़ाने वालों को चाहिए कि वे केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही अपने को सीमित नहीं रखे बल्कि निरंतर नवीन जो कुछ कानून की दृष्टि से देश में हो रहा है उनके प्रति विद्यार्थियों को निरंतर अद्यतन करते रहे। भारतीय संविधान दुनिया भर के संविधानों में सर्वोत्कृष्ट है। इसे मैं मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों का वैश्विक दस्तावेज मानता हूं। यह देश को संचालित करने का विधिक दस्तावेज तो है ही, साथ ही ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें भारतीय संस्कृति का आलोक निहित है। मैं चाहता हूं विधि विश्वविद्यालय के जरिए भारतीय संविधान की प्रभावी शिक्षा का प्रसार भी हो। हमारा संविधान जैसे विश्व भर की एक जीती जागती सच्चाई बने इसके बारे में भी विश्वविद्यालय चिंतन मनन करे। यह सच है कि विधि विश्वविद्यालय में कानून से संबंधित उच्च शिक्षा का प्रसार किया जाता है, परंतु मैं चाहता हूं कि आपके इस विश्वविद्यालय में देश के आजादी आंदोलन से जुड़े अधियोक्ताओं बहुत बड़ी संख्या मिलेगी आपको। इसलिए मैं कह रहा हूं देश के आजादी आंदोलन से जुड़े अधिवक्ताओं के जो महत्वपूर्ण भाषण रहे हैं उनके बारे में भी अध्ययन करवाया जाए, ये मेरा विशेष आग्रह है। आप पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। मैंने कुछ लोगों के भाषण पढ़े हैं जो उन्होंने बहस की है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में कानून की डिग्री धारक नेता स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वाधिक सक्रिय एवं शीर्ष पंक्ति में रहे बाल गंगाधर तिलक, लाला राजपत राय, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि नेता स्वयं बहुत अच्छे अधिवक्ता रहे। उन्होंने ब्रिटिश अदालतों में आम जन को परेशान करने वाले कानूनों के खिलाफ जम के पैरवी की। आजादी आंदोलन में अधिवक्ता के रूप में राष्ट्रीय नेताओं की जो भूमिका रही है उसके बारे में भी विद्यार्थियों को जानकारी करवाई जानी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि विधि पाठ्यक्रम में राष्ट्र चेतना से जुड़े मुद्दों को भी जोड़ा जाए। राष्ट्र चेतना से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं उसको भी इस पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए तो मैं सुनता हूं विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही ज्ञानवर्धक होगा। यह विश्वविद्यालय जिनके नाम से स्थापित है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता ही नहीं थे
बल्कि बहुत बड़े विधिवेत्ता भी रहे। अंबेडकर ने अपने अध्ययन का बहुत सारा समय देश दुनिया के कानूनों को जानने और समझने में व्यतीत किया था। नवीन और प्राचीन कानूनों की उन्हें गहरी समझ थी। 1933 में अंबेडकर बॉम्बे विश्वविद्यालय के कानून और कला विभाग में एक अध्येता के तौर पर नियुक्त हुए और बाद में 1935 को उनकी नियुक्ति महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर की गई। यहां पर वे न्यायशास्त्र पढ़ाते थे। आजादी आंदोलन में भी उनकी महती भूमिका रही। स्वतंत्र भारत के वो प्रथम कानून मंत्री चुने गए। कानून मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने सदियों तक गुलाम रहे भारत, भारत के वंचित वर्गों के अधिकारों, उनकी स्वतंत्रता के स्थायित्व, ऊंच नीच का भेद मिटाकर समानता स्थापित करने वाले कानून पारित करवाए। 29 अगस्त 1947 को वे संविधान लिखने वाली प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। मैं यह मानता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सच्चे पोषक थे। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के साथ भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों पर ही सदा जोर दिया। बॉम्बे विधानसभा में वर्ष 1938 में उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि समस्त लोग पहले भारतीय हों और अंततः भारतीय हों तथा भारतीय के सिवाय और कुछ भी ना हुई हों। ये उन्होंने अपने भाषण में कहा था। हम सभी को भी इस बात को सदा याद रखना है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं। सबसे पहले हमारा संविधान है और उसके बाद हमारी कोई व्यक्तिगत पहचान है। मैं चाहता हूं भारत में जो असमानताएं अभी भी विद्यमान हैं, सार्वजनिक रूप से लैंगिक भेदभाव जो होता है, उसके विरुद्ध यहां अध्ययन प्राप्त करने वाले विद्यार्थी सदा खड़े रहे। महिलाओं के अभी प्रियम्बल में आपने पढ़ा है कि जो अपने मूल कर्तव्य में आपने सुना होगा कि जो उन सारी चीजों को हम किनारे रखें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कहा था। महिलाओं के अधिकारों के लिए, वंचितों के अधिकार के लिए और तेजी से बढ़ते यौन अपराधों के विरुद्ध कार्य करने के लिए विधि सेवा की सबसे अधिक जरूरत रहती है। इसलिए विधि शिक्षा को मैं पूरी तरह समाज से सीधे तौर पर जुड़ी शिक्षा मानता हूं। लिंग जात समुदाय में परंपरागत असमानता के बंधन से मुक्ति कैसे मिले, इसको ध्यान में रखते हुए यहां कानून की शिक्षा व्यवहारिक रूप में कैसे दी जा सकती है, इस पर सभी को मिलकर विचार करना चाहिए। विश्वविद्यालय से औपचारिक शिक्षा की प्रतीकात्मक समाप्ति भले ही आज हो रही है, किंतु विद्यार्थियों के व्यवहारिक जीवन की असली परीक्षा अब प्रारंभ होगी। विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, भावी जीवन में उसका नहीं सही एवं सार्थक उपयोग करने का अब समय आ गया है। नई शुरुआत के लिए आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय द्वारा आज प्रदान की गई उपाधियों में 3 छात्राओं ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। मैं सदा ही मानता आया हूं कि छात्राओं को यदि आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं तो वे अपने आप को बेहतरीन साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। इन बेटियों ने विधि शिक्षा में जो स्थान पाया है वह नारी शक्ति एवं प्रतिभा का गौरवपूर्ण प्रदर्शन है। मैं इन बेटियों को बहुत बधाई और स्वस्थ कामना करता हूं। इस अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपका यह विश्वविद्यालय एकेडमिक गुणवत्ता, शोध कार्य की मौलिकता एवं नवीनता तथा सृजनात्मक मेधा एवं ऊर्जा से निरंतर प्रगतिमान रहे तथा ज्ञान विज्ञान की प्रखर रश्मियों से विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सदैव आलोकित होते रहे। दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सभी को बधाई और स्वस्थ कामना। धन्यवाद। जय हिंद।